तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आज भी। और हम लोग देखिए इस समय वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, और उसके पहले भी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हाल है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक हॉल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा हॉल है, ऐसे हम ड्रॉ कर लिए, थोड़ा तिरछा ड्रॉ किए हैं ताकि आपको 3D व्यू बना के दिखा सकें। चलिए ये तो ज़मीन ड्रॉ हुई है हॉल की, मतलब ये मेरी बस ज़मीन है हॉल की, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई दी हुई है 15, चलिए 15 हो गई, और इसकी चौड़ाई दी हुई है 12, चलिए 12 हो गई। अब वो कह रहा है कि यदि फर्श और छत के क्षेत्रों का योग, तो देखो सबसे पहले फर्श और छत इसे बनाना है तो मतलब पहले 3D बनाना पड़ेगा। कलर चेंज करके इसको हम 3D बना लेते हैं। तो चलो इसको यहाँ से उठा के ऐसे 3D कर दिए, और इसको ऐसे कर दिए, ये पीछे का दीवार हो गया हमारा, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ये मेरा आगे का दीवार हो गया। तो ये मेरा आगे वाला दीवार हो गया, और जब हम इसको ऐसे ऊपर से ऐसे इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कमरा बन गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो कौन सा फार्मूला है? आयतन निकालने के लिए हम लोग LBH करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ये लगता है क्यूबॉइड के लिए, मतलब घनाभ के लिए, ठीक है। घन के लिए तीनों भुजाएं सेम हो जाती हैं, तो a गुणे a रख देते हैं तो वो a³ हो जाता है। चलो ये तो बात की बात है। देखो एक बात ध्यान रखो, हम लोग जितने क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे ना उसमें सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, चलो सर आप पहले टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। तो क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करवा रहे हैं ताकि वो एक टॉपिक लगे। तो देखो यहाँ पर जो ये जो डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले वो समझो वो घन है या घनाभ है। तो वो घनाभ है, मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड में अलग अलग भुजाएं होती हैं, मतलब लंबाई अलग अलग होती है। घन में सारी लंबाई एक जैसी होती है। अच्छा अब देखो वो कह क्या रहा है, सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सवाल तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, 5 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, मतलब तुमको लंबाई और चौड़ाई तो दी हुई है लेकिन ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो आयतन कैसे निकलेगा? तो उसके लिए ये कह रहा है वो कि फर्श और छत के क्षेत्रों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रों के योग के बराबर है। अब ज़रा ध्यान देना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लाल रंग ले लेते हैं। देखो इस वाले को हम कह रहे हैं लेंथ, इस वाले को हम कह रहे हैं ब्रेथ, और इस वाले को कह रहे हैं हम एच, ठीक है। तो चलो हम कलर करके दिखाते हैं कि हम कौन कौन सा सोच रहे हैं। देखो इस ये जो तुम भुजा देख रहे हो, ये वाली भुजा, उसमें कौन सा 2 डायमेंशन आ रहा है, मतलब उसमें कौन कौन सी 2 लंबाइयाँ आ रही हैं? उसमें आ रहा है एच और बी, ठीक है। तो उसके जस्ट अपोजिट वाला तो ये हुआ, ठीक है। तो 2 भुजाएं, ये जो दीवार हैं इसमें 2 दीवार तो हम कवर कर लिए, ठीक है। तो उन 2 दीवारों का, तो 1 दीवार का एरिया कितना होगा? एच गुड़े बी। अब 2 दीवारें इसमें 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 दीवारों का काम तो हो गया। अब 2 दीवारें और बच रही हैं, वो कौन कौन सी दीवार बच रही है? देखो ये वाली दीवार बच रही है, राइट, और एक इसके जस्ट पीछे वाली दीवार बच रही है, मतलब ये वाली दीवार बच रही है। अभी हम छत और फर्श की बात नहीं किए, सिर्फ दीवार की बात चल रही है। तो अभी ये जो 2 दीवार बची है उसका डायमेंशन कौन कौन सा है, मतलब उसकी लंबाई कौन कौन सी है? देखो ये वाली जो दीवार है वो 2 लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है, 15 से और 12 से। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 गुणे 12। और ठीक पीछे वाला इसके पैरेलल है, उसका भी डायमेंशन यही होगा, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो ये जो पूरा क्षेत्रफल आया है उसका 2 गुना हो जाएगा। अब चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो इसमें 2 दीवार है और इसमें भी 2 दीवार है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 4 दीवार हो गई ना। चलो ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल तुम निकाल रहे हो वो किसके बराबर पड़ रहा है? वो छत के क्षेत्रफल के बराबर पड़ रहा है। अब जरा ध्यान देना कि छत किन 2 लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो छत में एक ये हरी वाला लाइन देखो 12 था, सॉरी वो तो बी था ना, क्योंकि देखो अगर ये बी है तो ये बी होगा, तो ये बी होगा, ठीक है, तो ये बी हो गया। अब उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई ये थी। ये लंबाई किसके बराबर है? 15 के बराबर है, नो डाउट। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये छत, समझ में आ रहा ना, ये छत बन रहा है हमारा, तो छत हमारा किससे बन रहा है? बी और 15 से बन रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी गुणे 15 हो जाएगा। अब देखो जितना बड़ा छत होता है उतना ही बड़ा फर्श होता है, तो मतलब फर्श और छत का एरिया दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2b 15 हो जाएगा। अब देखो बी जो है वो चौड़ाई है, उसका मान दिया हुआ है, तो बी चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है? ये जो देखो बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, और चौड़ाई का मान 12 दिया हुआ था, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ना इससे एच का मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 2h गुणे 12 प्लस 2 गुणे 15 गुणे 12 बराबर 2 गुणे b का मान 12 गुणे 15। एक बार ध्यान देना, 12 कॉमन लो, इस 12 से काट दो, कट गया। 2 कॉमन लो, इस 2 से काट दो, कट गया, ठीक है। अब तुम्हारा यच प्लस कितना बच रहा है? 15 बच रहा है, वो किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर हो गया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
क्योंकि ऐसे तो जीरो आ रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी है हम लोग, क्योंकि ऐसे तो एच बराबर जीरो आ गया, मतलब हाइट जीरो है। तो अगर हाइट जीरो है तो फिर वॉल्यूम भी जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में अगर हाइट जीरो हो गया तो चलो ठीक है, उत्तर तो हम देखे नहीं थे, लेकिन अगर हमारी हाइट जीरो आ रही है तो वॉल्यूम जीरो आएगा। एक बार तुम लोग क्या करना, इसी कैलकुलेशन को फिर से चेक करना, और अगर तुमको भी हाइट एच का मान जीरो आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का मान जीरो आ रहा है, तो तुम्हारा वॉल्यूम का मान जीरो आना चाहिए। ठीक है, एक बार हम खुद ही यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, वो क्या कह रहा है कि फर्श और छत के क्षेत्रों का योग, तो यहाँ पर हम फर्श और छत के क्षेत्रों का योग निकाल दिए थे। ठीक है, क्योंकि फर्श भी हमारा बी गुणे 15 से बन रहा है और छत भी हमारा बी गुणे 15 से बन रहा है। अब उसमें 2 से गुणा इसलिए किए थे क्योंकि इसमें दो सरफेस ऐड हो रहे हैं, फर्श और छत। ठीक है, अब उसका जो योग है वो चार दीवारों के क्षेत्रों के योग के बराबर है। तो ठीक है, हम जो पहले ये वाली दीवार लिए थे, ये वाली दीवार, तो इसमें एच और बी से निकाले थे। ठीक है, एच और बी, उसको हम 2 से गुणा कर दिए थे क्योंकि उसमें ये वाली दीवार ले ली थी। उसके बाद हम 15 और 12 से ये वाला दीवार ले लिए थे, 15 और 12 से। ओ यहीं पर तो मिस्टेक हुआ, 12 जो है वो तो ये लंबाई है, हाइट थोड़ी है। ठीक है, शायद कुछ बच्चे शुरू में पकड़ लिए होंगे इस बात को, लेकिन अब कैसे, वीडियो तो पहले से रिकॉर्डेड है, बीच में कैसे बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को एक्चुअली एच रखना था। ठीक है, तो जब आप 12 को एच रखेंगे तो यहाँ पे ये एच आ जाएगा, कटेगा नहीं फिर, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं और समझाते हैं अच्छे से। तो जब यहाँ पे एच आएगा तो कटेगा नहीं। अब देखो तो उससे क्या होगा, तो ये 2 और ये 12, तो ये हो गया 24H। ठीक है, ये 15 और ये 2, ये हो गया 30H और बराबर। अब देखो यहाँ पर ये 12 और ये 15 है, तो अब तुम इसको फिलहाल ऐसे ही 2 × 12 × 15 ही रहने दो, कुछ कटे पिटेगा तो काट पिट दिया जाएगा। ये 24 और ये 30 आपस में कितने हो जाएंगे, 54H हो गया। 54H बराबर 2 × 12 × 15। देखो 2 से तो ये कट ही जाएगा ना, पहले इस 2 से 54 को काट दो, कितनी बार में कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 27 बार में कटाइए। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 27H बराबर 12 × 15, तो H बराबर कितना हो गया, 12 × 15/27 रहने दो इसको। H का हमको मान मिल गया, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर दिए। चलो देखो, जो ऐसी जो हमसे भी गलती हुई है ना, ये गलती तुम लोगों से भी हो सकती है, ध्यान देना कि ऐसी गलतियाँ ना हो, थोड़ा सवाल ध्यान से लगाना, हम जल्दी जल्दी में ऐसी गलती कर दी आज। चलो अब लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एल बी एच, तो वॉल्यूम में मान भरो, एल का मान 15, बी का मान 12, और हाइड्रोजन का मान कितना है, हाइड्रोजन इसलिए बोलेंगे कि एच से हाइड्रोजन होता है, मजा लेना है बस खाली, 12 × 15/27। अब भाई देखो, ये कैलकुलेशन तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कल करके वॉल्यूम का मान निकाल करके चुपचाप कमेंट कर देना, अगर 8-10 आंसर मैच करके तो समझना तुम्हारा आंसर सेम है। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।